अजमेर की सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी के दौरान दो गुटों में मारपीट की नौबत आ गई। इस दौरान एक छात्र के सिर में गंभीर चोट लगी है। इस संबंध में पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार फ्रेशर पार्टी के दौरान कॉलेज के सभागार में अलग अलग छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुति दी जा रही थी। कॉलेज प्राचार्य के साथ ही अन्य प्रोफेसर और शिक्षक भी सभागार में मौजूद थे। इसी दौरान भारी छात्रों का जमावड़ा भी सभागार में मौजूद था। इसी बीच कुर्सी पर बैठते समय अन्य युवक का पैर किसी छात्र के लग गया और लगातार एक दूसरे पर कमेंटबाजी भी की जा रही थी, जिसके कारण हुआ विवाद हाथापाई में बदल गया। देखते ही देखते दोनों ही गुट एक दूसरे पर लातें और घूंसे मारते हुए नजर आए। यह पूरा वीडियो वहां मौजूद छात्रों ने भी बना लिया, जिसमें इस हंगामे के दौरान मारपीट करते हुए युवक नजर आ रहे हैं। वहीं एक छात्र के सिर में भी चोट आई है। पुलिस की मौजूदगी में हुए इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही इस मामले में तीन युवकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। यह मारपीट की नौबत के पीछे क्या वजह है, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल शांति बनाए रखने के लिए क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता भी कॉलेज परिसर में तैनात किया है, जिससे कि इस मामले को आगे बढ़ने से पहले शांत किया जा सके। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान बनने वाले गुटों में लंबे समय से रोष व्याप्त था और वही गुस्सा आज मामूली कहासुनी के बाद फूट पड़ा। आज जो छात्र संघ है एबीवीपी का, जो छात्र संघ यहाँ जीता हुआ है, पूरे छात्र संघ द्वारा आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी छात्रों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। समस्त छात्र इसमें भाग ले रहे हैं और एक नया छात्रों के अंदर हर्ष उल्लास देखने को मिल रहा है। नए नए छात्र प्रतिभाएं दे रहे हैं और अपना प्राचार्य सर इस पूरे जो कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। नए छात्रों को एक लुभाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा है। झगड़ा भी देखने को मिला? झगड़ा ऐसी कोई बात नहीं, कोई छात्रों में आपस में कोई अनबन हुई थी बात को लेके, तो वो सुलझ गई है, ऐसा विषय नहीं। कौन लोग थे वो? छात्री थे महाविद्यालय के, अभी तो वो तो आप उनसे ही पूछिए प्रशासन से। आपका पूरा नाम? आसुराम डुके, एबीवीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य।